पहले बोरिंग नहीं, ये नोट कर लेते हैं, हल्का भी बोरिंग पा दो ना, वो नोट करते हैं, मैं उन्हीं को देखता हूँ। जी हाँ, कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी, जो सबको पता है, हम सब देखते हैं, सब सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, रिएक्ट नहीं करते, अरे बोलते तक नहीं है, आखिर क्यों? आखिर क्यों? लोग देखते हैं, घूरते हैं और फिर कहते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। सामने वाले को आंखों से लंगा तक कर देते हैं, उसके कपड़े तक उतार देते हैं और फिर कहते हैं मैडम देखा ही तो है, मैडम देखा ही तो है। गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं और कहते हैं इसमें कौन सा अपराध कर दिया, इसमें कौन सा अपराध कर दिया। बाद में भी चार गाने थे। हमारी तरह हमारी देखा ही तो है और अरे मैडम तो मॉडल लग रही है, लगी नहीं रही। अरे टिक्की लची सारे वो कर रखे जितने भी महिला ओ, क्या फिगर है। अरे माँ भी है और दो बहने भी हैं, पर छेड़ने लाग तो बस तुम ही हो जान। वरना मैम देख रहा कैसे Thank you.
आंटी जी आ रही है। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये मुझसे क्या पूछते हो जाने मन? खुदा से पूछो जाने मन, एक दूसरे को क्यों रहता है? पहली जाने मन मॉडल। हिंदी नहीं आती। हमारे आसपास मौजूद हर जगह पे आज लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, और ये शोषण करने वाले कहाँ से आते हैं आप ही बताइए? क्या ये हमसे अलग है? ये हमारे ही बीच, हमारे ही गली, हमारे ही मोहल्लों से निकलते हैं और लड़कियों का शोषण उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनके घर से लेकर उनके मायके और उनके ससुराल तक करते हैं। ये शोषण करने वाले लड़कियों के शरीर का उपयोग करके उस पर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। तो आप भी बताइए, क्या ये सही है? नहीं। आप बताइए, लड़कियों का शोषण होना सही है? नहीं। कहते हैं लड़कियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए, लड़कियां एक अभिशाप होती हैं। आप बताइए, क्या ये सही है? नहीं। सही से तो लगा। हाँ अच्छा बच्चा लड़की है ठीक। सुन, तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, अभिशाप है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को ये बेटी नहीं चाहिए। तू आज अस्पताल जा और इसे गिरवा। मैं आपकी बेटी नहीं गिरवाऊंगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ। क्या कर रहा है? टांग पकड़ ले। मर गई बच्ची। हमारा सारा कॉपी कर लिया, हमारा कॉपी कर लिया।
कलयुग हो या सत्यों को इंसान उसी पर आता है। कलयुग हो
यौन हिंसाएं यानी बलात्कार के किस्से और अपराध होते रहते हैं। हम और आप सब रोजाना इसे अखबार में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, दो चार मिनट बातें करते हैं, यू नो कैजुअल टॉक्स, और फिर सब भूल जाते हैं। क्यों? हमें तो ऐसा लगता है, अरे ऐसा हमारे या हमारे अपनों के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत तक के साथ ऐसे अपराध होते हैं। आज ज़रूरत है तो आगे बढ़कर आवाज़ उठाने की, कुछ कहने की, कुछ बोलने की। आइए आवाज़ उठाइए, आपकी और हमारी चुप्पी और उदासीनता ऐसे अपराधियों और ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। आइए एक्शन लीजिए। हम अपने घरों में लड़कियों को कितना कुछ सिखाते हैं, सबसे पहले ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे दुपट्टा ओढ़ो, इन लोगों से दोस्ती मत करो, इन लोगों से दोस्ती करो, बाहर अंधेरा हो जाए तो मत जाना, और जाना पड़े तो पापा को साथ लेके जाना। अरे हम अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं बताते, उन्हें क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, बराबरी और समाज कैसे दिया जाता है। एक नारा आप सबने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जरूरत है इस नारे से एक कदम आगे सोचने की। जरूरत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटों को समझाओ और बेटों को सिखाओ। जिस दिन बेटे सीख गए और समझ गए, उस दिन बेटियां बच भी जाएंगी, आगे बढ़ भी जाएंगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर जाएंगी। अच्छा तो बताओ, हमें आजादी कब मिली थी? 1947 में। तो जब आजादी सिर्फ मर्दों को मिली थी? नहीं ना, वो आजादी सिर्फ मर्द और औरत दोनों को मिली थी ना? हाँ। तो मर्द कौन होते हैं औरतों को ये कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दूंगा? मर्द कौन होते हैं औरतों को कंट्रोल करने वाले? अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए और सावधान रहिए ऐसे सफेद नकाबपोश भेड़ियों से, जो खुले आम आज भी हमारे समाज में घूमते हैं। याद रखिए, अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसकी जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब। अपनी आंखें और कान इसीलिए बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशनों के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा क्या होता है? सबूतों के अभाव में अपराधी सब कुछ निकलता है, फिर से एक नए अपराध को अंजाम देता है और बढ़ जाता है। क्या हम सब मिलकर महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमेशा दामनी जैसे हादसों का ही इंतजार क्यों करते हैं? क्या हम लड़कियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते जहाँ उनके साथ कुछ गलत करना या उनके साथ हिंसा करना ही एक अपराध हो? दस्तक है समाज पर और उनकी सोच पर, दस्तक है समाज पर और उनकी सोच पर, परंतु अभी हमारी आखिरी दस्तक होनी चाहिए। Now it's enough, no more crime against women, zero tolerance. नहीं।